कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है ये वाला ऑटो वाला फील आता है इसके अंदर. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर रंजीत. हाय. और ये क्यों है हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने जो गाड़ी जो ऑन करते हैं वो है KUV100 या KUV100 K2, राइट? K2 वाला वेरिएंट है, मतलब कि बेस वेरिएंट है. और एक तरह से ये ओनरशिप रिव्यू समझिएगा, इनकी जो है वो इसके बारे में क्या विचार हैं, एक जो ऑनेस्ट जो विचार होते हैं ओनर के, वो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं. क्या इनको परेशानी आई, क्या इस गाड़ी की खासियत है, ताकि अगर आप भी खरीदना चाहते हैं इस गाड़ी को आगे चल करके, तो आपको कौन सी इसमें पॉजिटिव चीज़ें लगेंगी, कौन सी नेगेटिव लगेंगी. ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो इसको कब लिया था आपने? ये मैं लिया था 2 फरवरी 2018. तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इनको. और कितनी चला दी आपने? ये 21,960 किलोमीटर चल गई अभी तक. अच्छा, 21,000 चला दी है आपने, है? तो जैसे कि सेकंड गियर के अंदर चला रहे, इनिशियल रिस्पांस तो है वो तो काफ़ी अच्छा आपको, हमें भी पता चल रहा है. वैसे तो मैं भी चलाऊंगा इस गाड़ी को, लेकिन एक बात बताओ, ये कितने की पड़ी थी आपको गाड़ी? ये बेसिकली बेस मॉडल है, K2 मॉडल है. ओके. डीजल में. हाँ. तो ये मुझे पड़ी थी 6,20,000 की ऑन रोड. 6,20,000 की ऑन रोड पड़ी थी दिल्ली रजिस्ट्रेशन. ओके, तो डिस्काउंट वगैरह भी? हाँ, डिस्काउंट के बाद. ओके. डिस्काउंट तो यही क्यों, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह जाते हैं लोग कि स्विफ्ट भी आ जाती है भाई. उस टाइम तो शायद इग्निस भी आ रही थी डीजल के अंदर मेरे ख्याल से, बाद में बंद हुई है वो. और हुंडई की भी आ रही थी, तो इसी गाड़ी को क्यों चूज़ करा हमने? इस गाड़ी को इसलिए चूज करा कि एक तो महिंद्रा इंडियन, ठीक है, इंडियन कंपनी है. हाँ, ठीक है, पहला. वैसे एक और मैं बात बता दूं कि भाई को जो इंडिया जो है उससे बहुत प्यार है, ये बहुत अच्छी बात है. और इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट ये घूम चुके हैं, बाइक पे ज़्यादा घूमते हैं. अन्ना हजारे जी से भी मिल चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं ये लोग. अभी रिसेंटली नेपाल हो गया अगस्त में. अच्छा, तो ये तो हमारी कंट्री से बाहर हो गया. इंटरनेशनल राइड करके हमें. हाँ, तो ये बताओ, तो ये तो चलो एक अच्छी बात है कि ये इंडियन ब्रांड है आपने लिया. हाँ, फिर और क्या? दूसरा क्या है कि बेसिकली ये जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो इसके जो है ना लॉन्चिंग के लिए, इनोग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया था रिबन काटने के लिए. अच्छा, कहाँ पर? यहाँ फरीदाबाद. कॉन्सेप्ट महिंद्रा थे पहले, अब okay. तो यूनाइटेड हो गया. okay, पहले कॉन्सेप्ट okay. महिंद्रा जो फरीदाबाद में शोरूम है मथुरा रोड पे, वहाँ पे जब ये लॉन्च हुआ था तो मुझे इनवाइट किया गया था. ओके, तो उन्होंने आपको गाड़ी चिपका दिया? नहीं, चिपकाया नहीं. बेसिकली मैं देखा गाड़ी का जो है ना, मतलब सब कुछ ठीक ठाक लगा, प्राइस वाइज ठीक है. डीजल में अगर 6 लाख में, अगर 6.5 लाख में अगर गाड़ी मिल रही है, तो मुझे लग रहा है इस प्राइस में कोई भी गाड़ी मतलब है नहीं डीजल में. अच्छा, एक और चीज यहाँ पर एक सवाल है. कुछ एक जो है लोग पता क्या कहते हैं, कह रहे कि थोड़ा सा अंडर पावर है ये 3 सिलेंडर है. और कुछ एक लोगों की तो भाषा ऐसी थी कि पिद्दी इंजन है ना. तो आप लोग जो है कि आप क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, मैं इस गाड़ी से मैं बिहार जा चुका हूँ. हाँ, ठीक है. इस गाड़ी से मैं इंदौर जा चुका हूँ. हाँ, ठीक है. मुझे तो ऐसा कुछ मतलब लगा नहीं कि ये कमेंट्स कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, है ना. मेरे को क्या लगता है कि उन्होंने उस गाड़ी को कभी चलाया तक भी नहीं होगा. बिल्कुल, है ना. आप गाड़ी के अंदर देखो, आप कितनी खूबसूरत है ना, मतलब इसका मतलब बनाया अंदर से, इतना इंटीरियर वगैरह इतना फर्स्ट क्लास, ठीक है. दूसरा क्या है कि इस प्राइस में डीजल में कोई भी गाड़ी आपको जो है अवेलेबल नहीं है इस मार्केट, इंडियन मार्केट में. ये तो सही बात, ठीक है. प्लस दूसरा क्या है, तीसरा प्लस पॉइंट क्या है कि ये 6 सीटर है. हाँ, ठीक है. आप ये देखो, ये है. हाँ, ये 6 सीटर है, लेकिन हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये अगर कोई बच्चा वगैरह हाँ, भी बैठाते हो तो वो कहीं कहीं ना छेड़खानी करता रहता है. हाँ, इनसे हाँ, इनसे हाँ, और आगे बैठाना भी नहीं चाहिए. खैर, तो डॉक्यूमेंट्स पे 6 सीटर है. हाँ, 6 सीटर है. देखिए, वैसे बैठा भी सकते हो, ऐसे कोई मजबूरी में तो बैठा ही सकते हो, 6 बंदे. 6 सीटर है ये गाड़ी. तो अच्छा, ये बात बताओ कि माइलेज कितना निकालती है? माइलेज ये 18 प्लस देती है. 18 प्लस देती है ये माइलेज डीजल में.
यार इतनी। हाँ अच्छा एक और मैं बात बताऊं आपको, अंदर बैठ करके आपको काफी मतलब कि ये नहीं लगेगा कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, इसमें बड़ी गाड़ी वाला फील है इस गाड़ी के अंदर, तो उसके बावजूद भी ये जो है 18 की माइलेज निकाल रही है विच इज गुड। और मैंने इस गाड़ी को पहले भी चलाया है वैसे तो, और वैसे आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा पहले वाले भी, तो उस दौरान भी मेरे को बहुत ही मस्त लगी थी ये गाड़ी, काफी अच्छी चली थी ये गाड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अंडर पावर है। सस्पेंशन काफी सही है यार इस गाड़ी के, बहुत बढ़िया सस्पेंशन, बहुत बढ़िया है। तो देखिए ये तो सारी पॉजिटिव चीजें होगी है ना, अब खुद की बंदा जो प्रोडक्ट है तो तारीफ करेगा ही करेगा, हम तो ये मान के चलते हैं। तो अब बताओ कि कुछ नेगेटिव क्या है इसके अंदर। नेगेटिव सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका जो बॉटल स्पेस जो दिया है ना बॉटल रखने के लिए, ठीक है, अगर सपोज मेरी गाड़ी मैनुअल है, मतलब ये पावर विंडो नहीं है, ठीक है, मैनुअल विंडो है, तो अगर आप इसको हैंडल घुमाते हैं तो ये बॉटल में टच करता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप यहां पर भी देख पा रहे हो, इंजीनियर ने जो इसको बनाया है, डिजाइन किया है, एटलीस्ट उनको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आप ये सही बेच रहे हैं आप उसको, तो कैसे आप इसको मूव करेंगे आप हैंडल अगर बॉटल रखा हुआ है तो। ये जो छोटी छोटी बातें है ना भाई साहब, ये जो यूजर होते हैं ना, वो जो डेली की लाइफ के अंदर फील करते हैं वही बता पाते हैं, ये सरदर्दी वाली चीज है वैसे। एग्जैक्टली मुझे थोड़ा बाद में फील हुआ कि नहीं यार थोड़ा सा इससे अपग्रेड मॉडल लेता मैं, ठीक है, तो बजट के हिसाब से मुझे यही लेना पड़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, बट ये चीज ठीक नहीं है। और क्या आपको नेगेटिव लग रहा है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो पीछे सीट पे जो बैठे हैं आप, इस सीट को जो है ना आप देखेंगे तो ऐसे ही उठ जाता है, मतलब कुछ है नहीं ऐसा कि फिक्स किया हुआ सीट नहीं है पीछे, बहुत मतलब उठ जाता है, मतलब ये पीछे अगर आप जैसे इसको ऐसे करेंगे ना पीछे से, कुछ है नहीं, लॉक वगैरह कुछ नहीं है इसमें, लॉक है ही नहीं वो, नहीं लॉक नहीं है, लॉक नहीं है वो, ओ नीचे वाला सीट, ये तो अच्छा जी, हाँ बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार क्या है ये, मतलब ऐसे सीट उठा कर रख दिया है इसपे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चीज है, ठीक है। ओके तीसरा इसमें क्या है कि एक जो पीछे का सीट है ना, उसका जो बैक सीट है वो थोड़ा फोल्डेबल होना चाहिए, कई बार अगर आप डिक्की में सामान रखते हैं कुछ भी रखते हैं, अगर ज्यादा मान लीजिए वैसे ही कम है इसका, ठीक है, बूट स्पेस बहुत कम है, तो अगर वो हो तो थोड़ा सा बेटर होता थोड़ा सा। उसमें ज्यादा तो है नहीं टेक्निक वाली चीजें, ठीक है, आप सीधा सीट को उठा के फोल्ड कर दो ताकि आपका सामान इजिली आ जाए कुछ अगर आप रखना चाहें तो, कुछ नहीं है इसमें। ओके देखिए मैं आगे अगर बैठा हूँ तो यहाँ पर ये जो है मेरा इतना लेगरूम मिल रहा है, हाइट आपको पता ही है मेरी 6 फीट है, पीछे रवि भाई मेरे से बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी अब इनकी 6 फीट 4 इंच हाइट है, तो अभी आप देख लीजिएगा कि कितना कितना मिल रहा है रवि भाई, लेग रूम वगैरह है लगभग 2 से 3 इंच का अच्छा खासा लेग रूम मुझे मिल रहा है। यार सही है फिर तो, मतलब कि इन्होंने बूट के अंदर थोड़ी सी कटौती जो है वो करी है यहाँ पर, इन्होंने थोड़ा सा बूट के अंदर कटौती करी है, लेकिन आपको जो सिटिंग स्पेस है वो काफी अच्छा मिलेगा, ये चीज तो है। सर्विस कितनी हो गई है आपकी? सर्विस ये 3 सर्विस हो चुकी है, ठीक है, जो फ्री सर्विस थी, ओके, सारी सर्विसेज फ्री वाली हो चुकी है ऑलरेडी। ओके तो कैसा एक्सपीरियंस, कितनी क्या कॉस्ट, क्या कुछ कॉस्ट? वही 3,500 का सर्विस कॉस्ट, 3,500 के अंदर ओनली। ओके तो फ्री तो क्या लेबर चार्जेस वगैरह तो फ्री है, सिर्फ लेबर चार्जेस फ्री है, बाकी तो सारे ऑयल फिल्टर जो भी होता है उसमें, ठीक है, एयर फिल्टर वो सब तो चेंज ही होता है। महिंद्रा की सर्विस कैसी लगी? महिंद्रा की सर्विस ठीक है, बट थोड़ा सा स्टाफ में जो है ना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, स्टाफ जो है ना सर्विस का जो वर्कशॉप है जो स्टाफ वगैरह इतना ट्रेंड नहीं है, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। बाकी ये आपने बाहर से लगवाए थे आफ्टर मार्केट सिस्टम वगैरह है, सिस्टम इसके अंदर जो है वो डबल डिन वाला तो नहीं लग पाएगा मेरे ख्याल से, कभी अगर इसको निकालना चाहा हो आपने, मतलब ऐसे ही कभी कीमत लगवाई आपने? हाँ कीमत मैंने 1-2 बार लगवाया है। अच्छा तो फिर तो आपकी बेचने की हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी। हाँ एग्जैक्टली, हाँ रीसेल वैल्यू जो है ना इसकी बहुत कम है, है तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है, जबकि होना चाहिए क्योंकि महिंद्रा की गाड़ी है, मेंटेनेंस बहुत कम होती है इन सब गाड़ियों की। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास लीनिया थी, फिएट लीनिया। ओके तो उससे तो अच्छा ही फील कर रहे होगे आप बेचने वेचने के मामले में। हाँ हाँ बेचने के मामले में वो तो। और रंजीत भाई आपने 3 सिलेंडर चलाई है, 4 सिलेंडर चलाई है, अभी 3 सिलेंडर चला रहे हो, तो पावर के अंदर कुछ ऐसा कमी महसूस हुई आपको? नहीं कुछ खास कमी महसूस नहीं हुआ। हाँ जो भी मैंने ऑब्जर्व किया वो है कि भाई थोड़ा सा आपको नॉइसी जरूर लगेगा जो कैबिन जो है ना, फोर सिलेंडर की बजाय, इसके अलावा पावर वगैरह के हिसाब से तो कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं लग रही इस गाड़ी के अंदर, कमी नहीं लग रही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इंटीरियर की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा देखिए कितना काफ़ी
बल्कि जो है वो इंटीरियर दिया गया है। और एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो काफ़ी बल्कि इंटीरियर दिया गया है और जो विंडशील्ड का जो साइज है वो थोड़ा सा आपको छोटा जरूर लगेगा। बहुत नज़दीक बैठते हो आप विंडशील्ड के, ये चीज़ तो है एक आपके। ये वाली चीज़ जो है मेरे को थोड़ा सा, देखिए अभी अगर हम दो बैठे हैं बहुत कंफर्टेबल तरीके से बैठे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इस सीट को भी आगे पीछे करते हैं ना, मतलब मेरी वाली को ड्राइवर सीट को आगे पीछे करते हैं, तो ये साथ के साथ स्लाइड होता है, आगे पीछे होता है। वैसे यहाँ पर आप कुछ भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है ये वाला ऑटो वाला फील आता है इसके अंदर ये जो गियर लीवर जो यहाँ दिया गया है तो मतलब कई लोगों को आदत नहीं होती, तो अभी तो आदत होगी होगी यार, बट ये बड़ा कंफर्टेबल है गियर शिफ्ट करने में, है ना, बहुत कंफर्टेबल है। खास तौर पर यहाँ हाथ रखा हुआ और ये जो चीजें आप देख रहे हो, आपको मतलब हाथ को मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। आप यहाँ पे हैंडल्स जो है ना यूज कर सकते हैं आप बहुत बढ़िया से, और गियर शिफ्ट आप इसको ऐसे, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है मतलब। तो अब मैं चलाता हूँ गाड़ी और थोड़ा सा और इसके मजे लेता हूँ। आई होप कि इनका जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो आप सब लोगों को अच्छा लगा हो। सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट इन्होंने बता दी हैं कि कितने की क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह आती है, क्या चीज़ के अंदर इनको दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है। तो ये इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आप भी अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी गाड़ी को लेकर के हमारे दर्शकों के साथ में अगर शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर छोड़िए, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़िए और अपनी गाड़ी के साथ कुछ एक फ़ोटोग्राफ जो है वो शेयर कर दीजिए। हम आपको जल्दी ही कॉल करेंगे और आपके शहर के अंदर होंगे तो आपके साथ भी ओनरशिप जो रिव्यू है वो करना हम पसंद करेंगे। ओके, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डाल लीजिएगा, और फोर व्हीलर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डाल लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।